राधे राधे। यो गाइस, तो मैं कुछ दिन जैसे युवा फराज हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस, आज की सुबह हो रही हमारी मथुरा में। जैसा कि आपको पता है, हम कल आए थे रात को मथुरा, तो हम सुबह रात को 4 बजे आ गए थे। अभी सुबह के बज रहे हैं 5, तो हम आज अपनी परिक्रमा शुरू कर रहे हैं गोवर्धन से। हम सोचे इस बार कुछ नया करते हैं आप लोगों के प्यार के साथ, आप लोगों के साथ इंटरेस्टिंग करते हैं। तो हम लोग आ चुके थे मथुरा, अभी हम आ चुके हैं गोवर्धन पर्वत। जहाँ मेरे बैकग्राउंड देख पा रहे हो, काफ़ी श्रद्धालु भक्तजन जा रहे हैं सीधे मथुरा की गिराजी मंदिर। जो आपको लाइटें दिख रही होंगी, वहाँ हैं गोवर्धन पर्वत मंदिर, तो गिराजी मंदिर जहाँ जैसे जिसे कहते हैं, तो वहाँ चलते हैं सीधा और दर्शन करते हैं, फिर अपनी परिक्रमा शुरू करते हैं। आज की ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है गाइस। आज का ब्लॉग आप पूरा देखें, आपको फुल पूरे फल प्राप्त होगा आप पूरी परिक्रमा का। तो परिक्रमा पूरा देखें, आपको मज़ा आ जाएगा। हमने आपने अगर पहले ब्लॉग नहीं देखा, पहले ब्लॉग को जरूर देखें, इस वाले ब्लॉग को देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। राधे राधे। फाइनली हमारे दर्शन हो चुके हैं गोवर्धन पर्वत जी महाराज जी की, गिरिराज जी महाराज जी दर्शन हो चुके। आपने भी दर्शन किए, हमने भी दर्शन, कितना अच्छा लगा दर्शन करके। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर देना। आज की परिक्रमा वहीं स्टार्ट करते हैं, अभी हम यहाँ से शुरू करते हैं बड़ी परिक्रमा। जो यहाँ पर लिखा है बड़ी परिक्रमा 11 किलोमीटर, यहाँ से हम लोग परिक्रमा अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सुबह के बज चुके हैं अभी 6, हम परिक्रमा स्टार्ट ही कर रहे हैं। कुछ ही सब आज सुबह आए, बस परिक्रमा स्टार्ट कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की परिक्रमा। Oh, my God.
राधे 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 होरी है होरी है मानो होरी तो गाइस हम लोग अभी मात्र 2 किलोमीटर आए थे आगे, आपने देखा हम लोगों को भूत बना दिया, रात तो बच गया नहीं, कहाँ कोने में छुप गया था, हमें आ रहा कुछ भूत बना, देखो गाइस गलियों में गुलाल ही गुलाल दिख रहा है, गुलाल के अलावा कुछ दिख नहीं रहा है, इतना ज़्यादा आनंद आ रहा है कि क्या बना, अभी 2 किलोमीटर में इतना अच्छा लगने लगा कि अलग ही मज़ा है, अलग नेक्स्ट लेवल का, लेकिन इधर तो आप क्या बताएं गाइस, इतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखो पीछे कितने भक्तगण आ रहे हैं आगे, इधर देखो गुलाल ही गुलाल गुलाल हर जगह पूरी रोड पर गुलाल ही गुलाल दिख रहा है, बहुत सब लोग आ रहे हैं, चलो राधे राधे राधे, मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है गाइस, बहुत मजा, श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे श्याम मिला दे हम लोग आनंद होली का आनंद लेते हुए अभी आ चुके हैं 6वें किलोमीटर में, तो अभी हम आ चुके हैं पूंछड़ी के लोटा के पास, जो कि एक प्रसिद्ध मंदिर है, परिक्रमा के बीच में ही है, तो बहुत आनंद आ रहा है गाइस, बहुत आनंद, अगर आपको भी आ रहा हो लाइक करते रहना, वीडियो में कमेंट भी करते रहना, हैप्पी होली, बोले राधे राधे। गाइस हम लोग अभी 8 किलोमीटर चल के आ गए हैं मुखारबिंद के पास, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत अच्छी वाइस आ रही है, मथुरा की कहावत है कि जहाँ पत्थर फेंको वहाँ आपको मंदिर मिलेगा, यहाँ सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मंदिर पानी वाला डिस्ट्रिक्ट है यहाँ मथुरा में, तो जहाँ देखो वहाँ राधे 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 राधे, ये भैया लोग हमारे साथ में हैं, जैसे हमारे परिक्रमा साथ में लगा रहे हैं, काफ़ी लोग भी लगा रहे हैं, काफ़ी श्रद्धालु, चलिए हम आपको कराते हैं मुखारबिंद के दर्शन, क्योंकि काफ़ी अच्छा लग रहा है गाइस, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, देखियो ब्रज की गलियों में, चलिए जहाँ आपने दर्शन किए, ये है मुखारबिंद, जहाँ पे भगवान जी की मुख्य बिंदु है, यहाँ पे 24 घंटे ज्योति प्रज्वलित होती है, देखो भगवान की सब लोग आरती कर रहे हैं, ये मुखारबिंद यहाँ पे ज्योति जलती ही रहती है, मुख्य बिंदु कहा जाता है यहाँ पर मथुरा का, ये देखिए दर्शन कीजिए आप, राधे राधे रामा रामा हरे रामा हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे। तो गाइस ये है जिसे हम कहते हैं गोवर्धन पर्वत, ये है नेचुरल पर्वत, जो कि लोगों के कृपाओं के कारण हर साल धसता हुआ जा रहा है, यहाँ पर कहते हैं कि हर साल थोड़ा थोड़ा धस जाता है, तो ये इसकी ऊंचाई काफ़ी हुआ करती थी, लेकिन अब बहुत कम, तो काफ़ी ऊपर मंदिर बने हुए हैं, खूबसूरती देखेगा इस सुबह सुबह की सनराइज़ हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, लोग वहाँ पर देखो गायों को चारा खिला रहे हैं, ये वाइफ तो इतनी अच्छी, सुबह चिड़ियों की आवाज़, अंकल जी देखो चाय, आंटी जी चाय नाश्ता कर रहे हैं, राधे राधे भैया जी, बहुत मजा, राधे 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 जी, देखो यहाँ पर ये आंटी लोग गायों को चारा खिला रही हैं, कितने खूबसूरत फूल लगे हैं गाइस, देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है नेचुरल, ये देखिए
ये हमारे गोवर्धन पर्वत के नेचुरल फूल, देखिए कितने सुंदर हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं ये पर्वत, देखिए हमारा कितना सुंदर लग रहा है। यहाँ पर देखो गाय चल रहे हैं, वाइफ तो गाइस आपको वही आएंगे जो आने चाहिए रियल, गाय चल रही हैं, घास जा रहे, खिलाए जा रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है गाइस। चलिए आगे चलते चलते हैं परिक्रमा में, चलते बन गए। देखिए हम लोग पर्वत के पास पास में एक परिक्रमा मतलब रास्ता उस तरफ से, एक इस तरफ से जो बहुत पुरानी रास्ता थी परिक्रमा की, हम वहाँ से परिक्रमा के ऊपर लगा रहे हैं। तो देखिए कितने सुंदर फूल लगे हुए हैं, कितने सुंदर बंदर बंदर खेल रहे हैं यहाँ पर, देखो आपको दिखाते हैं, देखो बंदर, देखो सुबह सुबह बंदर खेल रहे हैं वहाँ पर, कितनी अच्छी वाइफ आती है, साफ सफाई अच्छे लोग रखते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है। तो राधे राधे बोलने के साथ कमेंट में लिखते रहिए राधे राधे, और बने रहिए हमारे साथ, राधे राधे। गाइस हम लास्ट परिक्रमा के 9 किलोमीटर आ गए थे, तो आगे देखिए कितनी बढ़िया हर जगह पे आपको चाय की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था चलती रहेगी। तो कितने लोग यहाँ पर भंडारा खा रहे हैं और चाय पी रहे हैं सुबह सुबह, सुबह के बज चुके हैं अभी 8, हम लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है, चलिए बने रहिए परिक्रमा, आपको मज़ा आ रहा होगा, राधे राधे। बस थैंक यू, बहुत मजा आ रहा है गाइस, हम रैंडम पीपल से मिले, लोगों ने कलर लगा दिया, बहुत ही मजा आ रहा है, राधे राधे। गाइस अभी हमारी यहाँ से एक परिक्रमा खत्म हो चुकी है, जैसे कहते हैं बड़ी परिक्रमा हमारी स्टार्ट होती है छोटी परिक्रमा, वो बड़ी परिक्रमा थी 11 किलोमीटर की, अब ये है 10 किलोमीटर की, देखिए वहाँ पर लिखा होगा, देखो वो लिखा है 10 किलोमीटर की छोटी परिक्रमा 10 किलोमीटर, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से परिक्रमा। चलिए तो गाइस बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है इन ब्रज की गलियों में, कोई भी आके गुलाल लगा जा रहा है पता ही नहीं चल रहा है, कब किसने गुलाल लगा दी, कहाँ से गुलाल आ रहा है तो कहाँ से गुलाल आ रहा है पता ही नहीं चल रहा है इसमें, तो मजा तो बहुत आ रहा है। आप जरूर आए होली खेलने के लिए, और हर जगह डीजे बज रहे हैं, कुछ ना कुछ खाने के लिए मिल रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है, राधे कुंजी राधे। तो गाइस परिक्रमा के हम लोग अभी कुछ 14 किलोमीटर आ चुके हैं, तो ये वहाँ पागल बाबा मंदिर इसे कहते हैं, पागल बाबा मंदिर जो काफ़ी फेमस है, आप देखिए कितने सुंदर से बना है, मतलब एशियन उसमें बना हुआ है कलाकृतियों में, बहुत अच्छा लगता है देखने में, और भीड़ अब बढ़ते ही जा रहा है गाइस, काफ़ी क्राउड, देखिए मैं तो चल रहा हूँ रैंडमली अकेले क्योंकि मेरे को अकेले चलना पसंद है, बहुत लोग पीछे देखिए क्राउड ही क्राउड, ये गन्ने के ठेले लगे हुए हैं सुबह सुबह गन्ने जूस पिलाने के लिए, 10 रुपये का एक गिलास देते हैं, बढ़िया। चलिए परिक्रमा बने रहिए, तो मज़ा आ रहा हो, बस राधे राधे कमेंट में लिखते रहिए, बोलिए राधे राधे। तो गाइस जैसे थोड़ा सा पागल बाबा मंदिर के आसपास आएंगे, तो यहाँ है नवग्रह मंदिर जो कि पूरा लाल पत्थर का बना हुआ है, यहाँ पे पूरे नवग्रह विराजमान है, तो आप मेरे बैकग्राउंड देख पा रहे होंगे, यह है नवग्रह मंदिर, यहाँ बहुत सारे फाउंटेन वगैरह कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, यहाँ बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं, चलिए आपको दर्शन कराते हैं नवग्रह मंदिर का, चलिए अंदर चलते हैं। गाइस काफ़ी समय बाद के बाद फाइनली हम आ चुके हैं राधा कुंड, जिसे आपके लिए सभी इंतजार करता वहाँ पे आ चुके हैं, चलिए आपको कैसे कराते हैं राधा कुंड के दर्शन, जो आप देख रहे हैं मेरे बैकग्राउंड में, चलिए कराते राधा कुंड के दर्शन।
हमें राधा कुंड के दर्शन कर लिए, बहुत अच्छा लगा राधा कुंड में। काफ़ी लोग पूजा हो रही थी, कई लोग मतलब वहाँ पर स्नान कर रहे थे, कई लोग जल चढ़ा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था राधा कुंड में। अभी हम लोग आ गए हैं राधा कुंड की गलियों में, पतली पतली गलियाँ हैं, दुकानें हैं, इतनी सुंदर सुंदर दुकानें हैं भगवान की पोशाकों की, प्रसादों की, और जो भी पूजा पाठ के सामान होते हैं, जैसे माला लगी रखी है, माला सारी दुकानें यहाँ पे अवेलेबल हैं। अच्छा लगता है, आप कोई ख़रीदारी करें तो ख़रीदारी भी कर सकते हैं आप लोग। तो अभी तो हम जा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं, कुछ ही बस 4 किलोमीटर की बची है हम लोगों की, और इतनी सी भी थकान महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आप लोग को इतना प्यार दे रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद बरस रहा है हम लोगों के ऊपर होली के रूप में, तो बहुत मज़ा आ रहा है। बोलो राधे राधे। गाइस, हम ऐसी परिक्रमा में आगे चले, अब हमें लास्ट 2 किलोमीटर की परिक्रमा बची है, जब थोड़ा सा आगे चले तो हमें मिला एक बहुत ही सुंदर दृश्य, जिसे मैंने पहले देखा था, आप लोगों को दिखाना है। कुसुम सरोवर ये कहा जाता है, कुसुम सरोवर जो परिक्रमा के लास्ट 2 किलोमीटर में है, बहुत ही सुंदर, जहाँ पर राधा जी और कृष्ण जी प्रकृति करते थे। यहाँ फुब्बारा भी लग गया है नया, शाम को आप देखना है, लाइटिंग अच्छी है, बहुत सुंदर, नाइट का व्यू तो एक नंबर होता है गाइस। चलिए आपको सिनेमैटिक में दिखाते हैं पूरा व्यू, इसे कहते हैं क्वीन ऑफ द ब्यूटी ऑन मथुरा, आपको दर्शन कराते हैं। चलिए हम लोग आ चुके हैं भंडारा खाने के बाद, अभी बस थोड़ी देर में आने वाले मानसी गंगा, तो आपको कराएंगे आज मानसी जो मिनी गंगा होती है, मानसी गंगा जो कृष्ण जी ने प्रकट की थी, उसकी दर्शन कराएंगे। तो अभी हम लोग बस थोड़ा सा रह गया 500 मीटर सामने ये मंदिर, तो ये हम लोग गलियाँ देख रहे हैं, यहाँ पूरी दुकानें लगी हुई हैं भगवान के पोशाक और कड़े वगैरह, अंगूठी वगैरह, चंदन वगैरह, जो भी आपको अगरबत्ती, सब कुछ लगा हुआ है भगवान का प्रसाद, बहुत सुंदर सुंदर दुकानें हैं। चलिए आपको दिखाते हैं और भगवान के दर्शन कराते हैं। फाइनली आ चुके हैं मंसी गंगा, फिर चलते हैं अंदर, आपको दर्शन कराते हैं। हमें गिरिराज जी के मानसी गंगा के बहुत ही सुंदर दर्शन हुए, हमारे प्रसाद ले लेते हैं यहाँ से, प्रसाद क्योंकि बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है, पंछी के लोग पंछी के कुछ पंछी करके पंछी पेठा करके है यहाँ पर, तो बहुत अच्छा पेठा मिलता है, पूरी दुकान है मिठाई की, तो मिठाई ले लेते हैं, क्योंकि हमारी आगे ही वहाँ जस्ट 400 मीटर में परिक्रमा पूर्ण होने वाली है। तो गाइस, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको संपूर्ण परिक्रमा का फल प्राप्त जरूर होगा, तो आप ये वीडियो पूरी जरूर देखें। मैं आपसे एक प्रार्थना करूँगा कि आपको अच्छा भी लगेगा और आपको फल प्राप्त भी होगा, तो बने रहिए, थोड़ा सा और रह गया। तो
गाइस फाइनली हमारी परिक्रमा पूरी हो चुकी है। पूरे 21 किलोमीटर की परिक्रमा, 21 कोस की परिक्रमा हमारी यहाँ पर पूरी हो चुकी है। द्वारका गेट भगवान जी से नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपनी परिक्रमा पूर्ण करते हैं। राधे राधे। गाइस अब आप बताइए आपको ब्लॉग कैसा लगा। आपको लोग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। लेकिन गाइस लाइक तो बनना, कमेंट भर देना, राधे 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 से पूरा कमेंट भर देना, क्योंकि इतनी मेहनत हो गई, मैं ज़्यादा ब्लॉग जानना नहीं होता ना, क्योंकि बड़ा हो जाएगा। इसलिए आज का ब्लॉग के लिए अलविदा। मैं आपको जितेंद्र जैक्सन, जय हिंद जय भारत।